ओम शांति। मीठे बच्चे, आज की मुरली 13 दिसंबर 2023 दिन बुधवार की प्रातः मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हारा रूहानी योग है एवर प्योर बनने के लिए, क्योंकि तुम पवित्रता के सागर से योग लगाते हो, पवित्र दुनिया स्थापन करते हो। प्रश्न, निश्चय बुद्धि बच्चों को पहले फले कौन सा निश्चय पक्का होना चाहिए, उस निश्चय की निशानी क्या होगी? उत्तर, हम एक बाप के बच्चे हैं, बाप से हमको दैवी स्वराज्य मिलता है, यह पहले फले पक्का निश्चय चाहिए। निश्चय हुआ तो फौरन बुद्धि में आएगा कि हमने जो भक्ति की है वह अब पूरी हुई, अब स्वयं भगवान हमें मिला है। निश्चय बुद्धि बच्चे ही वारिस बनते हैं। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, दूर के मुसाफिर तो सब हैं, सब आत्माएं दूर से दूर परमधाम की रहने वाली हैं, यह भी शास्त्रों में है। आत्मा दूर रहती है जहां सूर्य चांद की रोशनी नहीं रहती, मूलवतन और सूक्ष्मवतन में कोई ड्रामा नहीं है। ड्रामा इस स्थूलवतन का है जिसको ही मनुष्य सृष्टि कहा जाता है। मूलवतन और सूक्ष्मवतन में कोई 84 जन्मों का चक्र नहीं है, चक्र मनुष्य सृष्टि में दिखाया जाता है। मनुष्य सृष्टि क्या चीज है, मनुष्य किसका बना हुआ है? मनुष्य में एक तो आत्मा है, दूसरा शरीर है, 5 तत्वों का पुतला बनता है, उसमें आत्मा प्रवेश कर पाठ बजाती है। तो दूर के वासी तो सब हैं, परंतु तुम निश्चय करते हो, मनुष्यों में निश्चय नहीं है। बाप ने समझाया है, मुझे दूरदेश का रहने वाला कहते हो, परंतु तुम सब आत्माओं का निवास स्थान एक है। उस नाटक में जो पाठ बजाते हैं उसमें तो हर एक का अपना अपना घर होता है ना, वहां से आकर पाठ बजाते हैं। यहां तुम बच्चे समझते हो हम सब एक ही बाप के बच्चे हैं, एक ही घर परमधाम में रहने वाले हैं। वह है ब्रह्मा महतत्व, यह है आकाश तत्व। यहां पाठ बजाते हैं, रात दिन होता है, इसलिए सूर्य चांद भी हैं। मूलवतन में तो दिन रात नहीं होता है, यह सूर्य चांद कोई देवता नहीं है, यह तो मांडवे को रोशन करने वाली बत्तियां हैं। दिन में सूर्य रोशनी देता है, रात में चांद की रोशनी होती है। अभी सब मनुष्य चाहते हैं मुक्ति धाम में जाएं, जानते हैं भगवान ऊपर में रहता है, भगवान को भी याद करेंगे, हे परमपिता परमात्मा, तो बुद्धि ऊपर चली जाएगी। आत्मा समझती है परंतु अज्ञान छाया हुआ है, यह भी जानते हैं हम यहां के रहने वाले नहीं हैं, हमारा बाप वह है, मुख से ओ गॉड फादर कहते भी हैं, फिर कह देते हैं सब फादर हैं, गॉड सर्वव्यापी है। बच्चों को समझाया है सब तो फादर हैं नहीं, सब आत्माएं आपस में ब्रदर्स हैं, यह न जानने कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तुम आत्माएं ब्रदर्स हो, एक बाप की संतान बने हो, निश्चय बुद्धि भी नंबरवार है। लौकिक संबंध में निश्चय रहता ही है कि बाप से वर्षा पाना है, यहां बाप से माया घड़ी घड़ी मुंह फेर देती है। सर्वशक्तिमान बाप के बनते हो तो माया भी सर्वशक्तिमान होकर लड़ती है, 5 विकारों पर जीत पाने की युद्ध है, युद्ध तो मशहूर है। बाकी शास्त्रों में जो कौरव पांडव दिखाए हैं वह बात है नहीं, यह रावण के साथ युद्ध बड़ी भारी है। हम चाहते हैं कि बाप की याद में रहकर हम संपूर्ण बने, आत्मा प्योर बने, और तो कोई भी रास्ता है नहीं सिवाय योग के, और जो भी योग सीखते हैं वह कोई प्योरिटी के लिए नहीं है, वह तो सब स्थूल योग हैं, अल्पकाल के लिए, और यह रूहानी योग है एवर प्योर होने के लिए,
पवित्रता के सागर के साथ हम योग लगाने से पवित्र बनते हैं। बाप कहते हैं, इस योग अग्नि से तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते हैं। बुद्धि भी कहती है, यह पतित दुनिया है। कोई से भी पूछो, यह सत्ययुग है या कलियुग, तो इसको सत्ययुग कोई भी नहीं कहेंगे। सत्ययुग तो नई दुनिया थी, उसको गोल्डन एज, इसको आयरन एज कहा जाता है। पुरानी दुनिया को कलियुग और नई दुनिया को सत्ययुग कहा जाता है। ऐसे कह नहीं सकते कि अभी सत्ययुग भी है तो कलियुग भी है। नहीं, नरकवासी माना ही नरकवासी। पुरानी दुनिया को पतित, नई दुनिया को पावन दुनिया कहेंगे। मनुष्यों के लिए ही समझाया जाता है, जानवर थोड़े ही कहेंगे पतित पावन। आ कोई से भी पूछो तो कहेंगे यह नरक है। भारत ही नई दुनिया स्वर्ग था, भारत ही पुरानी दुनिया नरक है। भारत पर ही जोर देते रहो, दूसरे सब तो बीच में आते हैं, उससे हमारा तैलुक नहीं। हमारा धर्म ही अलग है, जो अब प्रायः लोप हो गया है। अभी तुम निश्चय बुद्धि बने हो, जानते हो हम एक बाप के बच्चे हैं। बाप से हमको स्वराज्य मिलता है, पहले तो यह पक्का निश्चय चाहिए। ज्ञान सुनते हैं वह तो ठीक है, प्रजा बन जाती है, बाकी हम बेहद बाप के बच्चे हैं, यह निश्चय हो जाए। समझे, हमने भक्ति की है भगवान से मिलने के लिए, अभी भक्ति पूरी होती है, अब भगवान स्वयं आकर मिला है, उनसे सूर्यवंशी स्वराज्य पद मिलता है, हम इतना ऊंच पद पाते हैं। जैसे साहूकार लोग बच्चे को गोद में लेते हैं ना, वह तो एक बच्चा लेते हैं, यहां तो बेहद के बाप को अनेक बच्चे चाहिए। कहते हैं, जो मेरा बच्चा बनेगा उनको स्वर्ग का वर्षा मिलेगा, जो मेरा नहीं बनते तो वर्षा ले न सकें। श्रीमत पर ही नहीं चलते, जिनको निश्चय हो जाता है वह तो कहते, बाबा आप फिर से आए हो, बस हम तो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे फिर दूसरों को समझाते हैं कि हम पारलौकिक बाप के बच्चे बने हैं, उनकी श्रीमत पर हम चलते हैं, हमको परमपिता परमात्मा पढ़ाते हैं। इतने सब बी के बने हैं तो जरूर निश्चय है, तो हम भी क्यों न बने। लिख करके भेज दें कि हम आपके बने हैं। बाप कहेंगे, हम कोई दूर थोड़े ही हैं, हम तो यहां बैठे हैं, हाजिर हैं, यहां प्रैक्टिकल में बैठे हैं। जैसे प्रेसिडेंट के लिए कहेंगे कि इस सृष्टि पर हाजिर है, तो इसका मतलब यह नहीं है कि प्रेसिडेंट सर्वव्यापी है। ऐसा परमपिता परमात्मा, जिसको सुख कर्ता दुख हर्ता कहा जाता है, वह सर्वव्यापी नहीं हो सकता। उनकी हाजिरी में मनुष्य इतने दुख ही कैसे हो सकते, जबकि बाप की गैरहाजिरी स्वर्ग में भी कोई दुखी नहीं रहता। बाप ने बच्चों के लिए घोंसला बनाया है, जैसे चिड़िया बच्चों के लिए घोंसला बनाती है, तो बाप भी तुम्हारे लिए तुम्हारे द्वारा ही आखेरा घोंसला बनवाते हैं, तुम्हारे ही रहने के लिए स्वर्ग का आखेरा बन रहा है। बाप कहते हैं, तुम मेरी मत पर चलेंगे तो स्वर्ग में राज्य करेंगे, अगर पूरा निश्चय हो तो एकदम पकड़ लेवे, ऐसे भी नहीं कि यहां बैठ जाना है, घर बार तो छोड़ना नहीं है। वह तो घर बार छोड़ते हैं, गुरु को भगवान समझते हैं, वह कोई जीते जी मरते नहीं है। तुमको तो जीते जी मरकर फिर सत्ययुग में जीना है। तुम बाप से बेहद का वर्षा लेते हो, जब निश्चय हुआ कि बेहद का बाप पढ़ाते हैं, 21 जन्मों का वर्षा देते हैं, तो उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। बच्चा बना तो बाप डायरेक्शन देंगे, पहले तो एक हफ्ता भट्टी में बैठो,
तुमको रोज नॉलेज मिलती रहेगी। सब तो एक जैसे नहीं समझते हैं, हर एक अपने पुरुषार्थ और तकदीर अनुसार पाते हैं। पुरुषार्थ और तकदीर के ऊपर ही होता है, पता लग जाता है कि तकदीर में क्या है, क्या पद पाएंगे। बाप का बनकर फिर गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। अच्छा, गृहस्थ व्यवहार नहीं है तो जाकर अंधों की लाठी बनो। सत्यनारायण की कथा सुनाने जरूर जाना है। अब देखो, प्रेम बच्ची सेवा पर गई है। जिन्होंने निमंत्रण दिया उन्होंने आज्ञान की, बहुतों से मुलाकात कराई, प्रभावित हुए। परंतु बाबा कहे, निश्चय बुद्धि एक भी नहीं है कि इन्हों को बेहद का बाप पढ़ाता है, जिससे 21 जन्मों का वर्षा मिलता है। प्रभावित होते हैं, परंतु ऐसे थोड़े ही निश्चय हुआ कि बरोबर ज्ञान का सागर बाप पढ़ा रहे हैं। हाँ, सिर्फ कहेंगे बहुत अच्छा है। जैसे ही बाहर गए फिर खलास, कोई बिरला ही पुरुषार्थ करेंगे। भल आपस में सत्संग करेंगे, परंतु जो करेंगे वह भी निश्चय बुद्धि नहीं, हाफ कास्ट कहा जाता है। निश्चय और संशय, अभी कहेंगे बाप पढ़ाते हैं, अभी कहेंगे कि यह कैसे हो सकता है। हाँ, पवित्र बनना अच्छा है, परंतु पवित्रता में रहना बड़ा मुश्किल है। पहले तो निश्चय चाहिए, गदगद होकर लिखे। जैसे बांधेली गोपिकाएं पत्र लिखती हैं, वैसे छुटेले कभी लिखते थोड़े ही हैं। बाबा लिख देते हैं कि एक को भी निश्चय बुद्धि नहीं बनाया है। हाँ, साधारण प्रजा बनाई, वारिस नहीं बनाया, एक भी निश्चय बुद्धि नहीं बना है। निश्चय बुद्धि ही वारिस बनते हैं। कोई भल निश्चय बुद्धि हैं, परंतु ज्ञान नहीं उठाते हैं, तो उसी घराने के अंदर जाकर दास दासी बनते हैं। आगे जाकर एक्यूरेट साक्षात्कार होगा, पता भी पड़ेगा कि हम दास दासी कौन से नंबर में बनेंगे, फिर बहुत पछताएंगे, हम तो श्रीमत पर चले नहीं तब यह हाल हुआ। फिर भी हर हालत में कहेंगे ड्रामा, इनका ड्रामा में ऐसे ही कल्पकल्पांतर का पार्ट है, साक्षात्कार होना ही है, पिछाड़ी में रिजल्ट निकलनी है। फिर कहेंगे भावी, हमारी तकदीर में यह था, तुम्हारी पढ़ाई की रिजल्ट आएगी, यह तो बड़ा भारी स्कूल है, पढ़ाने वाला एक ही है, एक ही पढ़ाई है, एक ही इम्तहान है। टीचर जानते हैं यह स्टूडेंट कैसा है, सब गैलप करते रहते हैं। आगे चलकर बहुत कुछ पता लग जाएगा, घड़ी घड़ी तुम ध्यान में चले जाएंगे, जैसे शुरू में जाते थे। आप भी समझते रहते हो, बाप भी समझाते रहते हैं, तुम गफलत करते हो, श्रीमत पर नहीं चलते हो, ऐसे चलते चलते आदत पड़ जाती है। भल तुम पूछो, शिव बाबा हम आपकी श्रीमत पर चलते हैं, बाबा बता देंगे तुम नहीं चलते हो, तब तुम्हारी तकदीर ऐसे दिखाई पड़ती है। समझा जाता है अभी दशा खराब है, आगे चलकर खुल भी जाए। कोई काम के हल्के नशे में गिरते हैं। भारत पावन था, श्रेष्ठाचारी था, जो अब भ्रष्टाचारी है। उन श्रेष्ठ देवताओं की महिमा तो है ना। बाप कहते हैं यह है ही आसुरी संप्रदाय, मैं आया हूँ दैवी संप्रदाय स्थापन करने, यह देवी देवता धर्म है ऊंच ते ऊंच। बाप ही पतित पावन है, परंतु मनुष्य कुछ भी समझते नहीं है। जो भी धर्म स्थापन करने आते हैं पवित्र जरूर बनते हैं, हर एक बात में अच्छे और बुरे होते हैं, कम तकदीर और अच्छी तकदीर वाले हैं। अब यह रावण राज्य खत्म होना है, इस रावण की नगरी को आग लगनी है। तुम राम की सेना बैठे हो, जो इस धर्म के होंगे वह समझते जाएंगे, नंबरवार समझते हैं।
कोई को एक ही तीर जनक मुआफिक लगने से सरेंडर हो जाते हैं। वह कोई भी बहाना नहीं करेंगे। बहाना इसमें चल न सके। परंतु माया के तूफान भी बहुत आते हैं। अपने घराने को ही भुला देते हैं कि हम ईश्वरीय संतान हैं। तो बच्चों को बहुत मीठा बनना है। काम का जरा भी नशा नहीं चाहिए। काम बड़ा ही महाशत्रु है। यही सबसे बड़ी भारी परीक्षा है। बाबा कहते, बच्चे इकट्ठे रह पवित्र बनकर दिखाओ। बाप बच्चों की अवस्था को जानते हैं। निश्चय बुद्धि वाले बाप को अपना समाचार देंगे कि बाबा मैं आपको याद करता हूँ, यह आपकी सेवा करता हूँ। सर्विस का समाचार लिखें तब विश्वास रखूं। सर्विस का सबूत दिखाए तब बाबा समझे इसमें उम्मीद अच्छी दिखाई पड़ती है। और फिर यह भी समझना चाहिए कि बाबा अकेला है, हम बच्चे बहुत हैं। ऐसे नहीं, बाबा को रोज रोज रेस्पॉन्स देना पड़ेगा। नहीं, बाप है ही गरीब निवास। दान गरीब को दिया जाता है। यह भारत खंड गरीब है। भारत ही साहूकार से गरीब हुआ है। यह किसको भी पता नहीं पड़ता है। यह भारत ही अविनाशी खंड है, जहां भगवान अवतार लेते हैं। भारत सोने की चिड़िया था, अर्थात सर्व सुखों का भंडार था। जिस सुख धाम में जाने के लिए हम सब पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील धे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, एक, कोई भी बहाना न कर बाप की श्रीमत पर चलते रहना है। सर्विस का सबूत देना है। दो, हम ईश्वरीय संतान हैं, हमारा ऊंच ते ऊंच घराना है, यह भूलना नहीं है। निश्चय बुद्धि बनना और बनाना है। वरदान, श्रेष्ठ स्वमान की सीट पर रह सर्व को सम्मान देने वाले सर्व के माननीय भव। सदा अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित रहकर निर्माण बन सबको सम्मान देते चलो तो यह देना ही लेना बन जाएगा। सम्मान देना अर्थात उस आत्मा को उमंगुल हास में लाकर आगे करना। सदा स्वमान में रहने से सर्व प्राप्तियां स्वत हो जाएंगी। स्वमान के कारण विश्व सम्मान देगी और सर्व द्वारा श्रेष्ठ मान मिलने के पात्र माननीय बन जाएंगे। स्लोगन, जो सर्व को रिगार्ड देता है उसका रिकॉर्ड स्वत ठीक हो जाता है।